खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त चाकुलिया विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार मिन्हाजुल आजाद साहब हमारे साथ हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इनका रोड शो धमाकेदार चल रहा है। और क्या है, क्या कैसी तैयारी चल रही है आपकी, कैसी उम्मीदें हैं? तैयारी तो हम लोग का जो भी है, आज से नहीं, हम लोग जब हम लोग का दीदी के बोले प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तब से लेकर बंगो धोनी द्वारे सरकार, हम लोग का ये कैंपेनिंग जो आज से नहीं, हम लोग 2011 से जब ममता बनर्जी का सरकार आई थी उस टाइम से पब्लिक के साथ जुड़े रहने का काम हम लोग करते हैं, लोग आज भी कर रहे हैं। आपके विरोधी कहते हैं कि सरप्राइजिंग उसे टिकट मिला है तो विन सरप्राइज होना नामुमकिन सा लगता है। देखिए विरोधी क्या बोल रहा है उसको लेके हमको कोई ध्यान देना कोई बात नहीं है, हमको हम उस सब ध्यान भी नहीं देते हैं। अच्छा। मेरा काम है, पार्टी हमको टिकट दिया है, नॉमिनेशन किया है, हमको किए हैं नॉमिनेशन, ठीक है, और पब्लिक के पास जा रहे हैं और डेवलपमेंट का बात हम लोग का है, सिर्फ टीएमसी में डेवलपमेंट का बात है, दूसरा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है विरोधी क्या बोल रहा है उसका हम, तो क्या लगता है आप तक की मेहनत से आपको लगता है कि खेला हो गए चाकुलिया में? खेला तो हो गया है। अच्छा, खेला हो गया है, सिर्फ 2 तारीख आने बाकी है, सिर्फ 2 तारीख आना बाकी है। चले अभी, अच्छा आप चल 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 चले चलो जी। आपका आइडिया और एजेंडा के बारे में भी जनता जानना चाहेगी, तो आप बताइएगा वो कौन सा काम है जो करना चाहेंगे, वो कौन सा काम है जो अब तक नहीं हुआ है? सुनिए, हम लोग चकलिया विधानसभा में, ठीक है, यहाँ पिछले 1977 से लेकर आज तक एक ही परिवार का आदमी जो है यहाँ का विधायक थे जी। बीच में सिर्फ 3.5 साल कांग्रेस पार्टी के श्रीमती दीपा दास मुंशी थी, लेकिन चकलिया का जो हालात अभी भी है, ना यहाँ कॉलेज है, ना यहाँ हॉस्पिटल का कोई इलाज का कोई बढ़िया व्यवस्था, कुछ नहीं है ऐसा। रास्ता घाट आप देख ही रहे हैं, ये रास्ता जो है, ये रास्ता जो जिसमें हम लोग अभी जा रहे हैं, ये NBDD से नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट इससे हुआ था, टेंडर है, टेंडर किया गया था, ये हम ही किए थे जब हम जिला परिषद मेंबर थे। अच्छा। ये काम अभी चल रहा है, अभी लॉकडाउन के कारण काम बंद था, यार एजेंसी को बोला गया, एजेंसी काम करने के लिए आ रहा है, फिर कुछ काम करते करते बंद पड़ा हुआ है, ये भी काम होगा। मतलब अब हम लोग का यहाँ का रास्ता इतना, मतलब ये है क्या बोले, खराब है, तो मेरा सवाल गड्ढे में सड़क है आपके यहाँ, ये सवाल मेरा उस विधायक से है जो यहाँ से 1977 से आज तक वहाँ यहाँ पे है, ये इतना दिन तक काम क्यों नहीं हुआ, कॉलेज क्यों नहीं हुआ, हॉस्पिटल क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ये सवाल हम लोग का, उसके बाद ये जनता सवाल करती है। बहरहाल अभी हम लोग को टिकट दिया है, इस बार अगर चुनाव जीत के आते हैं हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे ही, इंशाल्लाह पब्लिक यहाँ का जिताएंगे, वोट देके ममता बनर्जी को वोट देके जिताएंगे, फिर हम लोग डेवलपमेंट गवर्नमेंट सोचे हम लोग काम करेंगे। तो कुछ और एजेंडा जो आप एकदम कैटेगरी वाइज कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, बताते ये जनता को, आपकी आवाज़ सुनेगी वो भी, बोले स्कूल कॉलेज रोड हॉस्पिटल, ये तो स्वास्थ्य, एजुकेशन, और आपका जो है, देखिए हम लोग का टीएमसी पार्टी इतना ना स्कीम्स दिए हैं ममता बनर्जी हम लोगों का, पश्चिम बंगाल के अवाम के लिए, बस यहाँ कोई ना पार्टी ना यहाँ कोई कुछ धर्म ना कोई जाति कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ का बासिंदा होना होगा आपको, और यहाँ 79 प्रकल्प है, स्कीम्स है, उसका फायदा लेते जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, और वो पा भी रहे सब कोई। तो हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, टीएमसी है डेवलपमेंट के लिए, हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, हम लोग रात दिन 7 दिन पब्लिक के साथ रहते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट। विधानसभा की सड़कें हैं जहाँ पे फोर्थ गियर पर गाड़ियाँ चलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा लगता है कि जैसे किशनगंज के बाद विधानसभा क्षेत्र का हाल है जहाँ पे गड्ढे में सड़क है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सड़कों के बारे में, यहाँ की बदहाली के बारे में बताइए। 2 महीना बाद आके देखिएगा ये रास्ता चक्का चक हो जाएगा, पेपर ब्लॉक रास्ता है, मतलब टू ब्लॉक में 2 ही स्कीम हम लोग कर पाए थे NBDD से, एक हुआ ये रास्ता लालगंज से एकदम खुदनपुर तक, और एक हुआ था आपका सिमुलिया से लेके हाथीपा तक। अच्छा, यही 2 रास्ता जो है हम लोग गोलपोहटू ब्लॉक में कर पाए थे, ये पेपर ब्लॉक का रास्ता होगा, यूनिक रास्ता होगा, 2 महीना बाद आके देख ले रास्ता का क्या कंडीशन है। अच्छा, तो अभी लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप ये बताइए। अब भाई ये तो कहना एकदम चाकुलिया का मूड कैसा है ये बताइए। चाकुलिया का मूड तो टीएमसी ही टीएमसी है। क्या मूड है भाई चाकुलिया का? मतलब खेला हो गए? जी बिल्कुल खेला हो, शुरू हो गया और हो भी रहा है, और अंजाम हम ही लोग देंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि हम ही लोग जीतेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतेंगे। अच्छा, यही उम्मीद करते हैं, और पब्लिक देख के आपको ये लग ही रहा होगा क्या होने वाला है। अरे वाह वाह वाह, क्यों चाहते हैं लोग बदलाव बताइए आप भी। इसलिए चाहते हैं क्योंकि
टीएमसी एक ऐसा पार्टी है जो डेवलपमेंट चाह रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है। रास्ता हुआ, रोड हुआ, घाट हुआ, एक बच्चा जो पैदा होता है, पैदा से लेके जो जो आदमी इंतकाल करता है, उस वक्त का वो साधन, हर साधन किए हैं हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। तो हम लोग ऐसा मतलब विक्टर क्या किया है, आपसे सवाल करती हूँ, बताइए बताइए आप विक्टर क्या क्या है, वो क्या किए हैं, हमको एक दिन हुआ है। जैसे हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आई हैं सामने, क्या वो लेके आ सकते हैं? अच्छा। कि मैं ये काम किया हूँ, मेरा कहने का मतलब यहाँ है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो देखिए, वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद क्या कहते हैं कि मैं क्या बोलते हैं कि उसके पास जाइएगा कोई काम के लिए, तो बोलेगा देखिए मुझे तो माइनस में रखा जाता है। अच्छा। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, ये सवाल मेरा विक्टर से है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ये बताइए, आप खुद आपके पास कोई काम के लिए जा रहा है तो आप बोल रहे हैं उसको हमको माइनस में रखा जाता है। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इन पब्लिक को जो जिसको भी जो भी उनके साथ हैं, जो भी उनका साथ दे रहा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जब माइनस में रहते हैं तो उन पब्लिक को माइनस में क्यों लेकर रखते हैं? जी जी बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू बोलिए। मैडम जिला परिषद, मैडम जिला परिषद बोल रही है, पंचायत समिति का पंचायत समिति हम लोग का पंचायत समिति सभापति है, जिला परिषद मेंबर भी है, जिला परिषद मेंबर हम लोग नरेंद्र है, बिल्कुल ये सभापति हम लोग का पंचायत समिति का, उनसे भी पूछ लीजिए दो बात। अच्छा, और चलते चलते हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, तो यहाँ तो बीजेपी के लोग भी बहुत जोर लगा रहे हैं, क्या कोई खतरा है आपको? खतरा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 तारीख का 2 मई आने का वक्त है, जो है वक्त है 2 तारीख ही पता चल जाएगा क्या है, नहीं है, खेला हो गया है यहाँ पर। यहाँ टीएमसी बहुत वोट से जीत रहे हैं और यहाँ का आवाम फुल्ली टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ बीजेपी चल रहे हैं, और वो बड़ा अपने जो मुद्दे हैं बड़ा जोरदार तरीके से रख रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, यहाँ चाकुलिया का मुद्दा होगा, चाकुलिया नया बनेगा, ये इनका मुद्दा है, और इनका ये कहना है कि जो विधायक अब तक यानी उनके खानदान के पास विरासत में रही है, अब वो दिन चलने वाला नहीं है, अब बदलाव का दिन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव हो चुका, जिस दिन हमको टिकट फाइनल हुआ टीम से गए, लोकल कैंडिडेट फाइनल हुआ उसी दिन बदलाव हो गया यहाँ, बिल्कुल एकदम, मतलब खेला होगा इस बार चाकुलिया में शुरू, जबकि आपके ओपोनेंट का दावा है कि मीनार साहब तो इमेच्योर कैंडिडेट है, उन्हें क्या पता है विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, 2 तारीख को पता चल जाएगा कौन मैच्योर कौन इमेच्योर। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए होप फॉर द बेस्ट, आप क्या कहना चाहेंगी बताइए? मैं यही कहना चाहती हूँ, जनता और हम लोग सब मीनार भाई के साथ हैं, और उम्मीद है 50,000 से भी ज्यादा वोट से हम लोग लीड करके जाएंगे। आप प्रधान हैं और आपके जो विधायक हैं उनके तारीफ में या शिकायत में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम किसी का शिकायत नहीं करना चाहते, तारीफ ही में कीजिए, तारीफ कर रहे हैं, गड्ढे में सड़क को हम दिख रहे हैं, जी जी ये छुपा के जी आप लोग खुद देख रहे हैं, तो और वो देख रहे हैं, आप लोग खुद दिखाइएगा, पब्लिक को भी दिखाइएगा, प्लस हमारे जो विधायक हैं उनको भी दिखाइएगा कि आखिर क्या चल रहा है, तो वो क्या ये मात्रा क्या है, इतने दिन से वो क्या क्या ऐसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और क्या ऐसा जादू टोना करके रखा है जो वो जीत रहे हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ। चलिए तो बदलाव चाहिए आपकी बात, बिल्कुल आपकी बार सिर्फ टीएमसी की सरकार। अच्छा, ये बात है जी। और जब से मिला जाते हैं, मैं और ये बात कहना चाहता हूँ, जब से मिला भाई को टिकट मिला है, चलिए आप ये जिला परिषद मेंबर है, अच्छा ये जिला परिषद मेंबर है, बताइए नारायण जी आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए चलिए साथ चलिए, हाँ चलिए, ये सीट एबार जितबे। अच्छा, মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের জন্য জিতবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, উন্নয়নের জন্য জিতবে, কারণ যারা উন্নয়ন করবে তারাই টিকে থাকবে এবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ বিরোধী দল এখানে যারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আছে, বিলকুল, তারা এবার ক্ষমতায় আসবে, আসতে পারবে না, জনগণ বুঝতে পেরেছে যে জোট আছে বাম কংগ্রেস জোট, ওরাও আসতে পারবে না। বিজেপি পশ্চিমবাংলা দিশাহীন রাজনীতি করছে, ওদের উপর মানুষ ভরসা করে থাকতে পারছে না, কারণ বিজেপির নেতৃত্ব এবং যে কর্মসূচি 2014 সালে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি কা সাপোর্ট মিল রা, তো বড় লকি আদমি আপ লগ রা হ্যায়। यहाँ टीएमसी ही टीएमसी, हम बोले आपको ना, ये टीएमसी छोड़ के कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ टीएमसी का जलवा, मतलब खेला हो गया टीएमसी, ये बात है, दुआ कर बन गए सबके, दुआ कर बन। आप आपके प्रधान हैं वो भी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? सभापति मोहतरमा आप कहिए, बोल बोल कि खेला हो गया, खेला तो हो गया, खेला हो गया, खेला हो
হবে আচ্ছা হচ্ছে হবে মজুদার বিধায়কের বারে কি বলবো কি করি আগো বিধায়ক কিছু করে না কিছু নি করি বিধায়ক খালি না বসে বসে খালি ডায়লগ শুনি হ্যাঁ আচ্ছা ডায়লগ মারো হ্যাঁ মই আজ যাদাতর ওয়াক্ত বলে শুনি কি সঞ্জয় তোর জেনে কি বলে বিধায়ক কিশোরগঞ্জে থাকে কলকাতায় থাকে এখানে দেখা যায় না এখন ইলেকশন আছে এখন বাড়িতে আসছে চাকুলিয়া মাটি আপনি আপনি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালাম मैं टीएमसी का तरफ से आज जो मीनासदा का जो रैली है खुद दिखा रहे हैं पूरा चाकुलिया का पब्लिक को दिखाएगा नॉट ओनली चाकुलिया का पब्लिक पूरा बंगाल का पब्लिक को दिखाइएगा कि आज के एखने मानुष ढोल नेमे से हजार हजार मानुष मीनासदार पिछने दौड़ा कारण एखानकार विधायक बारो बचर धरे शुद्ध धप्पाबाजी दे मानुषर मिथ्या कथा बोले बारो बचर धरे एक उन्नयन काज करनी बोले अंचले गत पंचायत भोटे तीनटा पंचायत समिति सतरटा मेम्बर हमें जीते प्रधान गठन करी एगुलो हे टीएमसी गौर ना बीजेपी भोट आज ना भिक्षर भोट आज को भोट পাবে না একটাই লোক ভোট পাবে মিনাসদা একটাই লোক ভোট পাবে মিনাজুল আরেফিন আজাদ এবং দিদির ভোটে প্রচুর ভোটে জয়ী হব আমরা 50,000 বেশি ভোট দিয়ে দিদিকে আমরা মমতা ব্যানার্জিকে আমরা জয়ী করব মিনাসদাকে এখানে জিতিয়ে নিয়ে যাব আজকে দেখেছেন আপনারা হাজার হাজার মানুষ হাজার হাজার মানুষ মানুষের ঢোল নেমেছে শুধু আজকে না 15 দিন ধরে আমরা র্যালি করছি শ্বাস লে খুদি নিতে ফের আটকে যাব বল 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 দিদি আখির কি করি আজ ওয়াক ভোট দ্বার দেনা তক দিওয়ানা আছিস তোমরা देखिए दीदी तो देखिए दीदी क्या क्या नहीं किया ये बोलिए अच्छा क्या क्या नहीं किया क्या नहीं किया वो सब कुछ किए हैं अच्छा सब कुछ जब मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको कि जब एक बच्चा पैदा हो रहा है उस वक्त से लेके मौत तक उसका ये साधन किया हुआ स्कीम चला रही है और मैं आपको क्या बोलूँगी क्या क्या रूपश्री हुआ कन्याश्री हुआ अभी जो फिलहाल वो सब तो बहुत सबको ही जानता है अभी जो स्वास्थ्य साथी कार्ड जो अभी नई न्यू जो स्टार्ट की है वो ठीक है 5 लाख रुपए का जो स्कीम वो चला रही शुरू की है अभी इस बार वो स्कीम लागू हुआ सब पर ठीक है तो 5 लाख रुपया एक रूपश्री कन्याश्री वो सब तो बोलते हैं बहुत दिन से चल रहा है और ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है ये नया जो अप्रूव की है ममता बनर्जी जिससे आदमी बहुत खुश है ठीक है बहुत खुश है खास करके वो कार्ड महिला के नाम पर ही ये हो रहा है आपका घर का मेंबर जो मेन है महिला उसी के नाम पे हो रहा है ठीक है तो ये हमारी औरत सब को ही आगे बढ़ने का वो ज्यादातर मौका दे रही है और औरत सब आगे बढ़ रही है उसको देख के हम लोग को भी एक उत्साह हो रहा है कि नहीं हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए जब ये 65 साल की औरत इतना कुछ कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं जी तो उनसे हम लोग को प्रेरणा मिल रहा है उनके जज्बे से आपको प्रेरणा मिल रही है जी उनसे हम लोग को प्रेरणा मिल रहा है और मैं आपके सहयोग से मीना साहब आगे बढ़ रहे हैं जी 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 चलिए हंसते रहिए।